सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भोजन क्रोनी को और बेल आइकन पर उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें और लाइक और शेयर करिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं भोजन क्रोनी चैनल जो हर बुध को आपके सामने एक नया प्रोग्राम आती है। आज का जो प्रोग्राम है वो है दूध पत्र की डेवलपमेंट और इस पे मुजर असरात। हमने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर आमिर अहमद से बात की जो इस वक्त दूध पत्री में लोगों के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं आमिर अहमद का क्या कहना है। नाज़रीन, इस टाइम हम यहाँ पे दूध पत्री में मौजूद है और हमारे साथ कुछ यहाँ पे टूरिस्ट मिल रहे हैं जिनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में। जी आप देख सकते हैं टूरिस्ट है, हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। जी आपका नाम? मेरा नाम राफा। जी आप कहाँ से हो? हम बारकपुर से आया है। जी आपका क्या कहना है जो कि दूध पत्री की डेवलपमेंट है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम क्या कहेगा, इधर तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, दो दिन हमको यहाँ हो गया, क्या कहे हम। इधर का जो है ना वो तो है ही नहीं कुछ। डस्टबिन कहाँ है यहाँ पे? जब हम आए तो डस्टबिन कहीं नहीं देखा हमने, अब हम क्या कहेगा आपको। जी अच्छा, जो वाटर पोल्यूशन है यहाँ पे वो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो वाटर पोल्यूशन होगा ना, क्यों नहीं होगा। जब लोग कुछ खाता है ना दाल चाल, वो ऐसे ही फेंकता है, वो तो जब बारिश आता है ना वो तो उसी में गिरता है, तो हो गई ना वाटर पोल्यूशन। जी आपको दो दिन हो गए यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे टॉयलेट है जैसे टॉयलेट वगैरह उनमें यहाँ पे आपको आपने कहीं देखा टॉयलेट वॉयलेट कोई? ना तो पीने के लिए कुछ मिला। अरे का टॉयलेट ढूंढ रहे हो आप? अरे दो दिन से हम यहाँ पे था, कहीं टॉयलेट नहीं मिला हमको, अब मजबूर गया खेत में जाने के लिए। खेत में जाते हैं लोग, मुझे पता है मुझे खेत में जाना नहीं पड़ेगा, और कोई लोग है ना यहाँ पे टॉयलेट है नहीं उनको भी खेत में जाना पड़ेगा। अच्छा जी, जो यहाँ की डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं लोग, आपका क्या कहना है उसके बारे में? हम क्या कहेगा उस बारे में, वो तो ऐसे ही लेता है, इनके लिए कोई फैसिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, हम क्या कहेगा। अब हम यही गुजारिश आपसे कर रहे हैं कि या आपसे या कोई से कर रहा, बहुत से लोग यहाँ पे आ रहे होगा लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी है ही नहीं। अगर लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा ना तो यहाँ पे पहली फैसिलिटी होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, फिर यहाँ पे लोग आएगा। अच्छा जी आपको ये देख का गंदगी है यहाँ पे, ये देख, देखते हो ना का गंदगी चल रहा है, ये कोई क्या ढोलमेट है कोई। अब गुजारिश है कि इसे काला ही उठाया जाए और ये डस्टबिन में फेंका जाए, और यहाँ पे जो और लोग आएगा ना वो बहुत खुश होगा, हमसे हो गया गलती हो गया। जी अगर आपको दो दिन देखो मेरी बात सुनना, अगर हम कुछ खाएगा जब अगर डस्टबिन होगा नहीं ना और किस में फेंकेगा, जब डस्टबिन होगा अकल कहता है उसी में फेंको, यहाँ पे है ही नहीं तो मजबूर है फेंकने के लिए। जी अगर आपको यहाँ पे दो दिन हो गए तो आप नाइट कैसे कटाते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आपकी नाइट कैसे जाती है? अरे बैटरी हमको साथ था लाइट, जब मिला नहीं तो नीचे गया वहाँ से लाया, यहाँ पे लाइट था ही नहीं। अच्छा लाइट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये कोई फैसिलिटी हाँ, नहीं है यहाँ पे, हमको धोखा होगा ना जब और आएगा ना उनको नहीं होना चाहिए, अगर हमारे साथ क्या हो गया होने दो, लेकिन जब और आएगा ना और लोग हम ही को नहीं आना है, यहाँ पे बहुत आएगा लाइट और बाथरूम ये डस्टबिन, ये इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट हैं इनसे थोड़ी सी बातचीत की जाए इस डेवलपमेंट के बारे में। चले आइए हम बातचीत करते हैं इनसे। जी आपका नाम? मेरा नाम फिरदौस है। जी आप क्या काम करते हो? मैं उस्ताद हूँ। जी रहते कहाँ पे हो? मैं यही कश्मीर में ही रहता हूँ। जी अच्छा, आपका क्या कहना है जो ये दूध पत्री की डेवलपमेंट है इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए डेवलपमेंट तो यहाँ पूरी तरीके से फेल है, ना ही सड़कें ठीक है और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, ना ही डस्टबिन है। जी अच्छा, कोई ऐसा जो मुश्किल लग रहा होगा आपको, जैसे कि ये सड़कें यहाँ पे बहुत खराब है, उसके बारे में आप क्या कहना? जी आपने तो खान साहब से ही देखा कि रोड कितना खराब है, यहाँ से बीरवा से यहाँ रयार तक की रोड खराब है, ये भी मुश्किल है यहाँ पर। जी अच्छा, आप बोल रहे हैं डस्टबिन की, वो कैसी मुश्किल है आपके लिए? देखिए यहाँ आप देख सकते, जब आप दूध पत्री जाओगे तो एक ही डस्टबिन मिलेगा, वो भी टोल पोस्ट पर, उससे ऊपर लगभग मेरे ख्याल से कोई डस्टबिन नजर नहीं हो रहा है, फिर दूध पत्री में है दो चार। जी अच्छा, जो यहाँ का वाटर पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है इस टाइम यहाँ दूध पत्री में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए वाटर पोल्यूशन तो होगा ही, जब डस्टबिन नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, उनको तो फेंकना ही है, डस्टबिन नहीं होगी तो उनको वाटर में ही फेंकना है,
नहीं तो नीचे ही फेंकना है। इसी वजह से वाटर भी खराब हो रहे, हमारा जो ये ग्रीन ड्यूटी है ये भी खराब हो रही है। अच्छा जी, जो यहाँ नेटवर्क यहाँ पे कॉलिंग शॉलिंग कर रहे हैं उसकी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? हाँ जी हाँ, ये तो यहाँ पर दूध पथरी में बहुत बड़ा मसला है, ना ही एयरटेल में टावर आता है ना ही जियो में, और जो कोई भी नेटवर्क हो नहीं टावर आ रहे है, नेटवर्क ही नेटवर्क का नाम ही नहीं है यहाँ पर। और गवर्नमेंट से मैं इतला इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पर एक दो टावर लगाए। जी आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो ये ग्राउंड है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं इस टाइम ये ग्राउंड है यहाँ पे, गाय का ये गोबर वोबर है ये किसी है आपने, ये तो आपकी की लापरवाही है ना। देखिए हमारी लापरवाही, इस अगर यहाँ फुटपाथ होता तो हमारी लापरवाही होगी ये, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पर उन्होंने फुटपाथ नहीं डाला है तो ट्रैफिक एक तरह से जाता और हम हमारे गाय वाय एक तरफ से जाते। जी शुक्रिया, आपने तो फिर भी डेवलपमेंट के बारे में बोला कि ये बातचीत, इंशाल्लाह हम इस पे गौर करेंगे और आगे ये बात पहुंचाएंगे। जी शुक्रिया। देखिए मैं भोजन क्रोनी जो टीम है उसका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। जी अभी हम दूसरे लोकल जो यहाँ पे टूरिस्ट है इनसे थोड़ी सी बातचीत कर ले। जी आपका नाम? जी मैं गुलाम कह रोजा कह रहे अच्छा रोजा रहा है تہ ڈیولپمنٹ گا تہ تھوڑا تھی ورنہ پہ طرف یہ ڈیولپمنٹ بارے جناب اس گورمنٹس پہ خیال کر ڈسٹ بین تھی ام خطر پہ گورمنٹ آج کرکرے ورکرے کھانا آج کتھ بلائے کھانا ٹورسٹ وورسٹ کھانا دان پتہ دل یہ نہ ڈسٹ بین نظ چیز کھیسلٹی اس نا مجبور یہ لس پتھر دن دار دن خطر کاغذ پتھر دار دن خطر ام خطر مجبور اگر اتنے ڈسٹ بین آئے سہ گھے اتھ مز اتنا اگر سون شر تہ وچے ات وچے سہ تہ سہ لگائے اتھ ڈسٹ بینس مز جناب ماحول روزے صاف اچھا وی آب خراب گانا یہ تہ ون آب بار اہن حظ جناب اس یہ لس پتھر دن دار بارش کار یہ پکن یہ تہ پتہ کہ کشمیر مجھے زبردست بارش کران تو یم کہ وجہ سی یہ لس وس آبس مز وسان امی کہ وجہ سی یہ آب تہ گند گا سگریٹ وگریٹ چوان تو ام سی ہوا تہ گا گند گند ملازم آسان تو یپر کن نہ گھن ایکسیڈنٹ تہ کہین اگر کدلن پہ اگر تھوڑا سپورٹ آمت تھان گاڑی نس گھن بن بٹ کہین ام خطر پہ گورمنٹس اچھا روڈ تھی بڈگام پہ یور تین روڈ اچھے خراب تھی روڈس متعلق کی ون گورمنٹس جناب گورمنٹس پہ یہ جانکاری سوزن کہ یپ کن اس خان صوب وسان روڈ خراب اس بے روڈ روڈ گسان یہ خراب کی دب گمت ریئر یہ روڈ اکہ وس وچو تھی واقع دب گمت تو بیان یپ کن تھوڑا تیس فیسلٹی اتنی اکین پکان گو بیکن پکان گاڑی واڑی تم خطر تہ پہ یپ کن فیسلٹی تھا۔ جی ناظرین اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ ڈائریکٹر ٹوریزم جو ہے ان کے آفس میں ہیں، چلے ان سے تھوڑی سی بات چیت۔ جی ڈائریکٹر صاحب ہم دودھ پتری گئے تھے، وہاں پہ لوگ بہت اداس ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں یہ کہنا آپ کا صحیح ہے، دودھ پتھر میں اتنی فیسلٹی نہیں ہے جو کہ لوگوں کا کہنا ہے، ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی ہے، نوٹس میں ہمارے آیا تھا ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے وہاں پہ لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اس کا ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ حالات بہت خراب ہوئے، 2016 میں دیکھیں 18 میں دیکھیں حالات بہت خراب ہوئے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، جیسے کہ ڈسٹ بین ہے ڈسٹ بین وغیرہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، جو بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ صرف سڑکوں پہ آیا ہے۔ ہاں آپ کا کہنا ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، دیکھیے دودھ پتھر میں جو ڈسٹ بین ہے وہ بہت کم ہے، نیچے اگر دیکھیے نیچے بھی ڈسٹ بین کم ہے، ہم نے اپنے آدمیوں سے کہا ہے وہ ڈسٹ بین وہاں پہ لگائیں گے، ہم نے فنڈز بھی واپس کیے سی او صاحب کو، وہ ڈسٹ بین ضرور لگائیں گے، اور ہم یہ آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی دودھ پتھر کی ڈیولپمنٹ پوری ہوگی۔ اچھا جی جو الیکٹریسٹی ہے وہاں کی، تو الیکٹریسٹی لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے وہاں سے،
हाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी दूध पथरी तक पहुंचाई थी, पूरी तरह से शाली गंगा जो है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई थी, लेकिन भारी बर्फबारी हो रही है वहां पर, इसलिए डैमेज बहुत हो रहा है वहां पर। इसलिए हमने मीटिंग की सीओ साहब से कि हम इसे बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पहुंचाएंगे, इसमें एक दो साल लग जाएगा। अच्छा जी, और यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो जी बहुत हो रहा है वहाँ पे, जो नेचुरल ब्यूटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है कि डिफॉरेस्टेशन का ये कि ये हमारा ही नुकसान हो रहा है कि पेड़ काट रहे हैं, ब्यूटी खत्म हो रही है, टूरिज्म जो बाहर टूरिस्ट जो बाहर बाहर से आ रहे हैं उनका जो ये नजारा वो लुत्फ उठाते हैं इससे, अगर ये खत्म हो जाएगा तो वो कश्मीर में क्या रहेगा जी। और टूरिस्टों का कहना यह है कि वहाँ पे कोई बाथरूम या टॉयलेट वगैरह का कोई वहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ टॉयलेट तो है वहाँ पे, लेकिन ये कहना सही नहीं है, टॉयलेट तो है वहाँ पे लेकिन एक दो जगह नहीं है वहाँ पे हम लगाएंगे जी। और जो हार्ट मटेरियल है वहाँ पे वो थोड़े कम है वहाँ पे, लोगों का ये भी कहना है कि हार्ट में खासतर कोई सफाई नहीं, खास अच्छी तरह अंदर से नहीं बनाया। हार्टमेट तो है वहाँ पे, आप देख सकते हैं खुद भी आपने देखा होगा कि हार्टमेट नहीं है वहाँ पे, बहुत ही बड़े हार्टमेट दे रहे हैं सफाई का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सफाई जो है वो मैं सीओ साहब से कहूंगा वो ये काम भी वो जल्द ही करवा देंगे जी। हम आज बड़गाम से आए थे लेकिन हमें रास्ते में रोड जो देखा, जो ये टूरिज्म प्लेस का रोड है जी, बहुत ही खराब है, हमने अभी तक कोई रिपेयरिंग नहीं की इसकी। ये तो जो रोड है टंगनौर से लेकर ऊपर तक दूध पथरी तक बहुत ही अच्छा है, अगर देखे मैयर से वो जो बीरू जा रहे हैं रोड वो खराब है, खान साहब से ऊपर खराब है रोड रैयर तक। ये हमने आरएमबी से मीटिंग की थी, उन्होंने कहा जब तक इसका पीरियड खत्म नहीं होगा तब तक हम नया नहीं डलवा सकते जी। तनवीर साहब ये थे हमारे डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जिन्होंने अपने तस्वीरात इस तरह से। शुक्रिया आमिर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। अब दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए बोझम क्रोनी, मिलते हैं अगले।